सो हे गाइस, व्हाट इज अप, आपका स्वागत है कोबल मोन के ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 200 डेज इन कोबल मैन ऑफ माइनक्राफ्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर कोबल मोन का पार्ट वन नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे जाकर पहले देख ले। हो सकता है कि पार्ट वन को देखे बिना आपको पार्ट टू के अंदर कई सारी बातें समझ में ना आए, तो इसीलिए पार्ट वन को देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर भी वीडियो शो हो गया होगा। एनीवे गाइस, तो पिछली बार मैं सिर्फ एक ही लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ पाया था, लेकिन इस बार मैं बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने वाला हूँ। एंड इसी के साथ बहुत सारा बूमबाम भी होगा, क्योंकि इस बार मैं जाने वाला हूँ जिम लीडर्स को हराने के लिए। तो बेसिकली मुझे टोटल 3 जिम लीडर को हराना होगा, जिसमें से पहला जिम है डिजर्ट जिम, जो की रेगिस्तान के बीसो बीस लोकेटेड है। सेकेंड जिम है ओशन जिम, जो की समुन्द्र के बीसो बीस आया हुआ है। एट दी एंड थर्ड वाला है फायर जिम, जिसके लिए हमें नेदर के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या मैं इन जिम के लीडर को हरा पाऊंगा, ये बात का तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस वीडियो के अंदर बहुत ही मजा आएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट के अंदर बताओ कि ये कौन सा पोकेमोन है। तो पहले ही दिन के अंदर हमारे पास बहुत सारा काम बिल्कुल भी नहीं था, हम वेले बैठे थे भाई। हमने कोबल मोन के पार्ट वन के अंदर इतना सारा सर्वाइव और एक्सप्लोर कर लिया था कि डे 200 के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। तो गाइस फाइनली कई घंटों के बाद हमें एक काम मिला, जो कि था वेले वेले क्या करे, करना है कुछ काम, काटते है एप्रिकॉन के पेड़ को, लेके प्रभु का नाम। सो अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं कि एप्रिकॉन कोबल मोन का एक इम्पोर्टेड फल है, जिसका यूज करके हम अलग अलग टाइप के पोकेबॉल बना सकते हैं। तो अब जबकि ये फल बहुत ही इम्पोर्टेड है, तो मैंने और मिस्टर भाई ने पार्ट वन के अंदर हमारे घर के पीछे अलग अलग टाइप के एप्रिकॉन का पूरा जंगल उगा दिया था। हमने इनको आड़े टेढ़े जैसे भी उगा दिया था, इसीलिए हम इसको काट रहे और इसको रीप्लांट करेंगे, जिसमें हम एक कलर के एप्रिकॉन को एक ही लाइन में उगाएंगे। आगे एप्रिकॉन के पेड़ को काटते काटते मुझे एक बटरफ्री का झुंड दिखता है, जिसमें ठीक ठाक लेवल के बटरफ्रीज थे। मैंने इनमें से सबसे ज्यादा लेवल यानी कि लेवल 37 के बटरफ्री को पकड़ने का डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पोकेमोन के लिस्ट के अंदर एक भी इंसेक्ट टाइप का पोकेमोन नहीं था। एंड लकीली बटरफ्री को भी हमारी टीम में आना था, एक ही ट्राई के साथ बटरफ्री पकड़ा गया। बटरफ्री को पकड़ने के बाद हमने वापस से हमारे अधूरे काम को कंटिन्यू किया। पेड़ कैसे टूटता है पता है मिस्टर भाई? देखो, तो सुबह से लेकर रात तक सारे के सारे एप्रिकॉन्स के पेड़ को काट के हम फाइनली जाके आराम की नींद सोए। अगले दिन सुबह को उठने के साथ ही हमने नए नए पोकेमोन्स को देखा। पोला लग रहा है। इंडिया गाइस, मैं तो बताना भूल ही गया कि ये है हमारे सारे के सारे पोकेमोन्स। हमारे पास टोटल 6 पोकेमोन है, जिसमें से पहला है ग्रे निंजा, दूसरा है प्राइम एप, तीसरा है सेबली, चौथा है रेक्यूजा, पांचवा है ब्लास्टोइज और छठा है गोलर। बात करें हमारे स्टार्टअप पोकेमोन की, तो हमारा स्टार्टअप पोकेमोन था फ्रोकी, जो की अब इवोल्व होके ग्रे निंजा बन गया है। तो गाइस आगे ऐसे ही प्यारे प्यारे पोकेमोन को देखते हुए मुझे दिखता है एक बड़ा सा पानी का बीस्ट पोकेमोन, यानी की 11 डोज। इसका लेवल 49 था, जो कि बहुत ही बढ़िया था, इसीलिए मैंने इसको पकड़ने के लिए पहला पोकेबॉल फेंका। बट एज आई थॉट, ये बड़ा सा दानव पहली बार में थोड़ी पकड़ा जाएगा। ये महाशय हमारे पोकेबॉल के अंदर सफर करके बाहर आ गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने पोकेबॉल फेंकना कंटिन्यू रखा। एंड कई देर के बाद फाइनली 11 डोज पकड़ा गया। आगे मैंने 11 डोज को हमारे पोकेमोन की लिस्ट के अंदर ऐड किया और उसकी पावर को देखने के लिए मिक्सर भाई के साथ फाइट की। बट एट द एंड हमारे 49 लेवल का 11 डोज मिक्सर भाई के बड़े और हेवी सार रिजार्ड के सामने टिक नहीं पाया। आगे हमने फाइनली हमारे एप्रिकॉन फार्म के काम को पूरा किया। हमने एक एक लाइन में अलग अलग कलर के एप्रिकॉन्स को उगाया और साथ ही में इन सभी के बीच में हमारे खाने के लिए आलू को भी उगाया। तो फार्म के काम को पूरा करने के बाद मैं और मिस्टर भाई निकल पड़े हमारे आर्मर को और टूल्स को एनसेंट करने के लिए। आई मीन प्लान तो यही था, पर मैंने अपनी पूरी की पूरी एक्सपी आर्मर और टूल के बदले अपनी सोर्ड के ऊपर खर्च कर दी। पता नहीं क्यों मैं अपनी सोर्ड के ऊपर लूटिंग 3 की एनसेंटिंग ढूंढ रहा था, जो कि मुझे मिल भी गई, लेकिन पूरी की पूरी 3 सोर्ड को एंचेंट करने के बाद। आगे हमने हमारे स्पेशल काम को किया, जो कि था विलेज को लूट के उसे और भी कंगाल बनाना। तो गाइस अगर हम किसी भी पोकेमोन को फाइट के अंदर हराते हैं तो कोई ना कोई आइटम ड्रॉप करता है, और इन्हीं आइटम में से हमें 2 मेगा स्टोन मिले थे, जो कि मेगा इवोल्यूशन करते हैं हमारे पोकेमोन को। परंतु अभी के लिए हम किसी भी पोकेमोन को मेगा इवोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास जो स्टोन थे वो थंडर और आइस पोकेमोन के लिए बने हुए थे। एंड रही बात हमारे और मिस्टर भाई के
पोकेमोन की, तो हम दोनों के पास में ही थंडर और आइस टाइप के पोकेमोन नहीं थे। तो बेसिकली दूसरे शब्दों में कहे तो अभी के लिए ए स्टोन हमारे कोई भी काम के नहीं है, तो मैंने उनको वापस से उनकी जगह पे रख दिया। आगे मैंने और मिक्सर भाई ने हमारे एप्रिकॉन्स के फार्म को विजिट किया, जो कि बहुत ही सुंदर, अप्रतिम और अति उत्तम लग रहा था। और बात करें हमारे आलू की, तो वो तो एकदम भाई खरा सोना लग रहा था। जैसे आगे से आलू डाल रहे हो और पीछे से सोना निकल रहा हो। तो गाइस लगे हाथों हमने एक नए पोकेबॉल को भी क्राफ्ट कर लिया, जिसका नाम था ड्रीम बॉल। वैसे कहना तो पड़ेगा कि ये पोकेबॉल बहुत ही महंगा है, इसको बनाने के लिए मुझे डायमंड को यूज करना पड़ रहा है। बट बात करें इस पोकेबॉल की खासियत की, तो ये पोकेबॉल बहुत ही इम्पोर्टेड है। सोते हुए पोकेमोन के ऊपर अगर हम इस पोकेबॉल का यूज करते हैं, तो आम पोकेबॉल से ड्रीम बॉल 5 गुना ज्यादा वर्क करता है। एनीवेज, तो अगला दिन होते ही मैं और मिस्टर भाई अलग अलग रास्ते पे चल पड़े, जिसमें मैं निकला था हमारे पहले जिम की ओर, कि डिजर्ट जिम पे। लगभग 10 या 12 किलोमीटर बोट चलाने के बाद मैं फाइनली शाम को डिजर्ट जिम के पास में आए हुए विलेज में जा पहुंचा। अबे यार, एक थका पका आदमी जो कि पूरे दिन बोट चला के आया है, वो रात को क्या फाइट करेगा? नहीं रे, हम पूरा आराम करेंगे और कल सुबह को फाइट करेंगे। तो गाइस बात करें इस विलेज की, तो ये विलेज डिजर्ट में होने के बावजूद भी इसका विकास बहुत ही अलग लेवल पे हुआ था। ये एक विलेज कम और छोटा नगर ज्यादा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी और बहुत सारी शिप्स थी। तो मैंने यहाँ पर आए हुए शॉपकीपर से बात की और उनसे पूछा कि डिजर्ट जिम का लीडर मुझे कहाँ मिलेगा। एंड गेस व्हाट, उनका एक ही जवाब था। तो गाइस जैसे तैसे मुझे यहाँ के जिम लीडर का एड्रेस मिल गया और मैं उनके घर पे चला गया। ओके गाइस, तो यही है वो जगह जहाँ पर जिम लीडर रहते हैं। हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? कोई है? कौन हो तुम यहाँ पे आने के दुस्साहस कैसे की? व्हाट द डक, हबीबी और पाकिस्तानी का मिक्सचर में पहली बार देख रहा हूँ। अरे सर, आप कौन है? और अपने बॉस को बुलाइए प्लीज। मैं इस इलाके का। तो गाइस थोड़ी बहुत बातों के बाद मुझे पता चला कि यही महाशय है डिजर्ट जिम के लीडर। एंड सब मैंने उनको फाइट करने को कहा, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा। आज मेरा व्रत है, मैं फाइट नहीं कर सकता। अच्छा, जाओ जाओ, कहीं भी बिस्तर मिल जाए सो जाओ, जाओ। So, yeah, guys, जिम लीडर की आज्ञा का मुझे पालन करना पड़ा और मुझे हमारी फाइट को पोस्टपोन करना पड़ा अगले दिन। अगला दिन होते ही मैं इस गांव के प्राकृतिक नजारे को देख रहा था कि वैसे ही हमारे डिजर्ट जिम के लीडर आ गए। एंड उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट में खाने के लिए लिटरली गोल्डन एप्पल दिए। गाइस लग तो रहा है कि ये जिम लीडर बहुत ही पैसे वाला है। अगर मैं इस फाइट में हार गया ना, तो मैं इसी जिम लीडर को टपका के उसके पैसे लेके यहाँ से निकल लूंगा। तो गोल्डन एप्पल का नाश्ता करके मैं और जिम लीडर जिम की ओर निकल पड़े। एंड टू बी होनेस्ट, यहाँ का जिम आईपीएल के स्टेडियम से भी बड़ा था। इतने बड़े जिम में दो बंदों का फाइट करना ओपोर तो लग रहा था, लेकिन बहुत ही एक्साइटमेंट वाला था। तो इसी के साथ हमारे पहले बेस की फाइट शुरू होती है, जिसके स्टार्टिंग में जिम के लीडर ने मुझे रूल समझाए। हमारी फाइट होने वाली है 5 vs 5 पोकेमोन्स का। अच्छा, और आप एक भी ज्यादा नहीं ले सकते 5 से। ठीक है। और ना उसे हील कर सकते हैं। ठीक है। ना उसे रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, समझिया। तो सारे रूल्स को समझ के और अपने 5 धुरंधर पोकेमोन को सिलेक्ट करके हमने हमारी फाइट को शुरू किया। वाओ, ये तो आपका शाइनी पोकेमोन है। ओपी भाई, तो गाइज आपको पता होगा कि हर एक सैंड टाइप पोकेमोन के सामने वाटर टाइप पोकेमोन क्या बोलते हैं एडवांटेज में रहते, इसलिए मैं चुनने वाला हूँ ग्रेनिंजा। ओ, ये क्या फेंक दिया आपने? सरप्राइज वाटर पल्स। फक ब्लास्टोइज, मैं तुम्हें चुनता हूँ रेन डांस। ओ भाई, ये गलत हो रहा है। तो पहली फाइट के अंदर मेरे दो पोकेमोन लगभग फेंटेड हो ही गए थे, और इसीलिए बाद में मैंने सुना सेबली को, और हर एक बार की तरह सेबली ने मेरी जान बचा ली। जैन हेडबट। ये बॉय, शाबाश मेरे सिबली, मैं पावर जेम का यूज करूंगा। मर गया मेरा। ब्लास्टोइज, मैं वापस से तुम्हें चुनता हूँ। गलती कर दी। रेन डांस। अबे यार। तो फाइटिंग की स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मैं इस फाइट को हारूंगा, लेकिन फिर मैंने स्यूज किया मेरे गोलक को। गोलक की स्टील बॉडी ने सैन स्लेश के नाखूनों को तोड़ के उसे हरा दिया। आगे गोलक ने अपनी 25% हेल्थ के साथ क्यूबॉन को भी फेंटेड कर दिया। आगे सीम लीडर ने सुना डिगलेट्स को, और डिगलेट ने हमारे गोलक को फेंटेड कर दिया। एट दी एंड मेरे पास बस एक ही पोकेमोन बचा था, जो की था रेक्यूजा। सीम लीडर के पास में सारे के सारे
अराउंड पोकेमोन थे, इसीलिए मुझे बहुत ही बढ़िया आइडिया आया जो कि था रेक्यूजा को उड़ाना। मैंने फ्लाई मूव यूज किया और हमारे ओपोनेंट के पोकेमोन रेक्यूजा को सू ही नहीं पाए, और इसी के साथ ऐसे ही लक ने हमारा साथ दिया और ए वाली फाइट हमारे नाम हुई। मैंने आखिरी पोकेमोन यानी कि सैंड श्रू को भी इसी मूव का यूज करके एक ही बार में हराया। ए बॉय, फाइनली ये रेक्यूजा, लव यू ब्रो, लव यू। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तुमको इसके लिए अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड लाइए सर, आपका अवार्ड। तो इस पार्ट को पूरा करके एज अ रिवॉर्ड मुझे मिला रोक बेस। अबे यार, डिजर्ट के अंदर रोक कहाँ से आया? एनीवेज अपने को तो क्या, अपने को तो पानी निकालना है। बेस मिल गया, निकलते हैं यहाँ से। तो मेरी जो डिजर्ट विलेज के अंदर फाइट हुई थी उसके अंदर मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, इसीलिए रोक बेस को जीतने के बाद मैंने हमारे पोकेमोन्स की कंटिन्यूअसली फाइट करवाई होगी अलग अलग लेवल के पोकेमोन्स के साथ। तो ऐसे ही अलग अलग पोकेमोन के साथ फाइट करते करते मुझे एक शाइनी डायनासोर टाइप का पोकेमोन दिखता है जिसका नाम था वॉल्किंग वेग। एंड गाइस, मानो या ना मानो, ये वाला डायनासोर पोकेमोन बहुत ही नखरे वाला था। इसको पकड़ने के लिए मैंने अपने सारे के सारे पोकेबॉल यूज कर लिए। सबसे पहले तो ये सो गया और इसके सोने के साथ ही मैंने हमारे नए पोकेबॉल यानी कि ड्रीम बॉल को इसके ऊपर ट्राई किया। बैम, ये पकड़ा गया नहीं। मेरे एक दो ड्रीम बॉल ऐसे ही इसके ऊपर वेस्ट हो गए और उसके बाद मैंने यूज किया हमारे ग्रेट बॉल को। ग्रेट बॉल भी यूज ना आने पर मैंने इसके ऊपर सादे पोकेबॉल का यूज किया, ये सोचकर कि ये पोकेमोन सादे पोकेबॉल में रहना चाहता होगा। परंतु ये पोकेमोन था अगले लेवल का नखरेबाज। इसको लग रहा था कि यही राजा है, यही किंग है, यही सबसे लेजेंडरी पोकेमोन है। इसको पकड़ने में रात से सुबह हो गई, सुबह से रात मेरे सारे के सारे फेंटेड पोकेमोन रिवाइव होके वापस फेंटेड हो गए, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे सारे के सारे पोकेबॉल खत्म होने के आरे पे आ गए। अंत में ठक हार के मैं इस पोकेमोन को मारने वाला था, वैसे ही भाई एक चच्चा ने मुझे रोक लिया। अरे बेटे, ये पोकेमोन ऐसे नहीं आएगा, मैं कब से तुम्हें मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। व्हाट, पोकेमोन बोल रहा है? अबे तू कैसे, ओ चच्चा, अबे यार आपने तो डरा दिया। बेटे, मैंने बहुत सारे पोकेमोन पकड़े हैं और ये वाला पोकेमोन उन सभी में से सबसे नखरे वाला मुझे लग रहा है। हाँ यार, आपने तो बिल्कुल सही कहा चचा, लेकिन यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास एक भी काम का पोकेबॉल नहीं बचा। ओ भाई, कितने सारे स्केलेटन, चचा पीछे रहना, आपको कहीं लग ना जाए। मैं इन सभी स्केलेटन को एक एक बार में मार के आता हूँ। अरे वाह बेटे, मेरे लिए तुमने अपनी जान को दांव पे लगा दिया। तुम तो बड़े ही शक्तिशाली हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। बेटे सेकंड, मेरे पास आपका मास्टर बॉल आ गया, ए लो चचा वापस ले लो। अरे बेटे, अब शर्माना बंद करो और इस मास्टर बॉल को अपने पास रख लो। तो चचा जी ने मुझे मास्टर बॉल दे दिया और इस वाले मास्टर बॉल का यूज करके मैंने वॉल्किंग वॉक यानी कि शाइनी पोकेमोन को पकड़ा। तो गाइस, इसी के साथ हमारी फैमिली के अंदर एक और पोकेमोन आ गया यानी कि वॉल्किंग वेग। तो हमारे नए पोकेमोन को पकड़ने के बाद मैं निकल पड़ा हमारे अगले जिम की ओर यानी कि ओशन जिम पे। तो जब मैं ओशन जिम पे पहुंचा तो मैं पूरा का पूरा असंभवित हो गया, क्योंकि ये वाला जिम डिजर्ट जिम से दो गुना बड़ा था। अभी यार, जिम खोलने पर सरकार ग्रांट या फिर पैसे वैसे देती है क्या? फिर तो मेरे को भी जिम खोलना है। एनीवेज, तो जिम पे पहुंचने के साथ ही मैंने सबसे पहले हमारे फेंटेड पोकेमोन को रिवाइव किया और हमारे नए पोकेमोन यानी कि वॉल्किंग वेग को हमारे से पोकेमोन की लिस्ट के अंदर शामिल किया। आगे मैं यहाँ के जिम लीडर से मिला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यहाँ के जिम लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारी मदद करने वाले चचा थे। अरे बेटा, तुम क्यों वही भले आदमी हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे मैं तो यहाँ पर जिम पे फाइट करने आया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वाह बेटा, पहले बताना था ना, जब क्यों हम दोनों एक ही शास्त्र में आ जाते, मैं यहाँ का जिम लीडर हूँ। वोट, आप यहाँ के जिम लीडर हो? अबे यार, ये वाली बात को सुनकर लिटरली भाई मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बेटे, खाना वाना खाया ना, तो चलो यार हमारी फाइट को शुरू करते हैं। हमारी फाइट का एक ही रूल है, शार वर्सेस शार पोकेमोन। तुम अपने शार पोकेमोन यूज करोगे और मैं अपने शार पोकेमोन यूज करूंगा, ना कोई हीलिंग ना कोई रिवाइव। ओके चाचा, आपके सारे के सारे रूल्स मुझे मंजूर है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी एक और जिम की फाइट शुरू हुई, और कहना पड़ेगा कि चाचा के पोकेमोन उन्हीं की तरह पहले के जमाने के बूढ़े थे, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस वाले थे।
लेकिन एट द एंड हमारे यंग पोकेमोन विजेता हुए और हमने इस फाइट को दो पोकेमोन के नुकसान के साथ जीत लिया। अरे वाह बेटे, तुम्हारे पोकेमोन और तुम्हारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, इसे जाया मत करना, तुम बहुत ही आगे बढ़ोगे और बहुत ही बढ़िया फाइट थी। बेटे, मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने हमारे बेस को बनवाने के लिए डाला है, जो जब तक वापस नहीं आते तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अरे चाचा क्या बात कर रहे हो, इसी बहाने मुझे यहाँ पर वापस आने का मौका मिलेगा। वैसे भी यार आपने मुझे मास्टर बोल दिया था, जिसके बारे में मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। ठीक है चाचा, तो जल्द ही वापस मिलना होगा। अरे बेटे एक सेकंड रुको, बेस के बदले में तुम्हें एक बढ़िया जानकारी देना चाहता हूँ। क्या जानकारी, बताइए बताइए। मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम्हें बहुत ही बढ़िया शीश मिलेगी, लेकिन उस शीश को लाने के लिए तुम्हारे पास मास्टर बोल का होना जरूरी है। यानी कि सब भी जो भी जगह पे जाओ अपने साथ मास्टर बोल लेके जाना बेटे। ओके चाचा थैंक यू, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा और मेरा नेक्स्ट गोल होगा वही जगह। तो इसी दिन पे बात करते करते रात हो गई, इसीलिए मैं यहाँ पर रात रुक गया। एंड जब मैं सुबह को उठा तो मुझे मिला सरप्राइज, यानी कि हमारे मिस्टर भाई। अरे गुरु जी, या पीछे पीछू आइला मिस्टर भाई, आप भी यहाँ पर आए हो क्या? लेट्स गो यार, हमें एक काम पे जाना है। तो गाइस चाचा की बताई गई जगह पे जाने के लिए हमें सबसे पहले क्राफ्ट करना पड़ेगा मास्टर बॉल, और मास्टर बॉल को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा नेदर स्टार, नेदरराइट इंगोट और शल्कर बॉक्स। ऑब्वियसली इनमें से पोनी चीजों को लाने के लिए हमें नेदर पे जाना पड़ेगा, और इसके लिए हम जा पहुंचे नेदर के फायर जिम पे। एंड गेस व्हाट, यहां का जिम लीडर था मेरा पुराना सेला, यानी कि मेरा दोस्त स्टीलबर्ग। ओ भाई तुम कहां से और किसको लेकर आए हो? स्टील तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मिस्टर भाई इनसे मिलो, ये है मेरा पुराना सेला। आप हम चले नहीं रहे। तो मैंने और मिस्टर भाई ने स्टीलबर्ग को सारी की सारी बात समझाई, और स्टीलबर्ग ने हमें नेदर स्टार और नेदरराइट इंगोट देने का वादा किया, लेकिन उसके लिए हमें उसके एक पोकेमोन को हराना पड़ेगा। स्टील ने अपने पोकेमोन यानी कि रिल्ला भूम को चुना, और मैंने चुना हमारे रेक्यूजा को। एंड बूम, इसी के साथ में एक ही अटैक में इस वाली फाइट का विजेता हो गया। वाह गुरुजी वाह, एक ही बार में हरा दिया रे। चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पर डिसाइड हो गया कि कौन गुरुदेव है और कौन चेला, लेकिन कहना पड़ेगा कि स्टीलबर्ग भी बहुत ही ताकतवर हो गया है। स्टीलबर्ग के साथ फाइट करके बहुत ही मजा आया, और अगर मैं इसमें हार भी ज्यादा ना, फिर भी स्टीलबर्ग मुझे सारी की सारी चीजें दे देता, क्योंकि मैं उसका भाई दोस्त हूँ। आगे मैं और मिस्टर भाई निकल पड़े एंड पे, जहाँ पर हमने ऑब्वियसली एंडर ड्रैगन को पेला, और उसे पेल कर हमने ढूंढी एंड सिटी। एंड सिटी पे पहुंचते ही हमने बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस इकट्ठा किए, जिनको लेके हम वापस आ गए। फाइनली घर वापस आके हमने क्राफ्ट किए टोटल 3 मास्टर बॉल। इनमें से एक मास्टर बॉल मैंने मिस्टर भाई को दिया और 2 मास्टर बॉल मैंने अपने लिए रखे। आई नो इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा मास्टर बॉल को मैंने गुरु दक्षिणा के तौर पे अपने पास रखा है। एनीवेज तो आगे हम सब उसे चाचा की बताई हुई जगह पे, जो कि कोई आम जगह नहीं थी बल्कि एक बड़ा सा महल था। हमने लिटरली इस पूरे महल को एक्सप्लोर किया, यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, बहुत ही कीमती आइटम थी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। एट दी एंड हम महल के टॉप पे जा पहुंचे, जहाँ पर हमें मिला चाचा का बताया हुआ खजाना। यहाँ पे टोटली 3 लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ा गया था, जिसमें शामिल था आयरन लीव्स, आर्टिक्यूनो और म्यूट्यू। आगे मैंने और मिस्टर भाई ने मौके का फायदा उठाया, और हमने हमारी पोकेमोन की लिस्ट के अंदर एक एक लेजेंडरी पोकेमोन को शामिल किया। मिस्टर भाई ने कैच किया म्यूट्यू को, और मैंने पकड़ा आर्टिक्यूनो को। मेरे पास एक और मास्टर बॉल पड़ा था, और चाहता तो आयरन लीव्स को पकड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने एंड मिस्टर भाई ने आयरन लीव्स को छोड़ देने का डिसाइड किया। तो गाइस फाइनली यहां पे हमारे 200 डेज इन कोबलमोन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो करना है वो करो। एंड अगर आपको भी इस वाले मोड के अंदर खेलना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करो, मैं आपकी इसकी पूरी की पूरी मोड लिस्ट दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।